लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस ने दिल्ली में बड़ा दाव चल दिया है। दरअसल कांग्रेस ने प्रदेश के कदावर नेता रहे अरविंद सिंह लवली को राजधानी में कांग्रेस की कमान सौंपी है। दरअसल लवली अनिल चौधरी की जगह नई जिम्मेदारी संभालेंगे। अरविंद सिंह लवली की नियुक्ति को लेकर लोकसभा से पहले संगठन को नए सिरे से खड़े करने की रणनीति मानी जा रही है। तो वहीं अरविंद सिंह लवली 15 साल तक रही शीला दीक्षित सरकार में शिक्षा से लेकर पर्यटन मंत्रालय की जिम्मेदारी निभा चुके हैं। चुनाव से पहले लवली की नियुक्ति के बाद अब आम आदमी पार्टी और सीएम अरविंद केजरीवाल किस रणनीति पर आगे बढ़ती है। दरअसल लवली पहले भी प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी निभा चुके हैं। बता दें कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच गठबंधन की चर्चा चल रही है। दोनों दल विपक्षी गठबंधन इंडिया का हिस्सा है। इस बीच प्रदेश कांग्रेस की नेता अलका लांबा ने कहा था कि पार्टी ने कार्यकर्ताओं को सभी सीटों पर तैयार रहने को कहा है। इसके बाद आम आदमी पार्टी और कांग्रेस में तलवारें खिंच गई थी। हालांकि बाद में कांग्रेस की तरफ से डैमेज कंट्रोल की कोशिश की गई थी। ऐसे में अब कांग्रेस की तरफ से लवली के प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए हैं। राजनीति के जानकारों का मानना है कि कांग्रेस पूरी तरह से अपना संगठन मजबूत कर लोकसभा चुनाव में उतरना चाहती है। बता दें कि अरविंद सिंह लवली दिल्ली के कदावर नेता रहे हैं। लवली की सिख समुदाय में अच्छी पेट मानी जाती है। दिल्ली में सिख समुदाय की अहम भूमिका है। ऐसे में पार्टी ने लवली की नियुक्ति के जरिए इस वर्ग को भी साधना चाहती है। अरविंद सिंह लवली शीला दीक्षित सरकार में शिक्षा, शहरी विकास, पर्यटन और परिवहन मंत्री रह चुके हैं। दरअसल अरविंद सिंह लवली कांग्रेस के 4 बार विधायक रहे हैं। 1998 में पहली बार दिल्ली के गांधी नगर से विधायक बने थे। 2019 में अरविंद सिंह लवली ने पूर्वी दिल्ली से लोकसभा का चुनाव भी लड़ा था। अरविंद सिंह लवली 2017 में नगर निगम से पहले बीजेपी में शामिल हो गए थे। माना जा रहा था कि पार्टी में उपेक्षा के बाद उन्होंने ये कदम उठाया था। हालांकि बीजेपी के साथ उनका सफर लंबा नहीं चला। महज एक साल के भीतर ही उन्होंने पार्टी में घर वापसी कर ली थी। कांग्रेस में वापसी करते हुए लवली ने कहा था कि मैं वैचारिक रूप से वहां मिसफिट था, मैंने पीड़ा में पार्टी छोड़ी थी। लवली ने राहुल से मुलाकात के बाद पार्टी में वापसी का निर्णय लिया था।